तो दोस्तों हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड ने अपने क्वार्टर थ्री के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर थ्री के नंबर्स के अंदर, क्योंकि नंबर्स इस क्वार्टर में बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। पिछले क्वार्टर में तो बहुत ही खराब नंबर्स दिए थे कंपनी ने, लेकिन इस क्वार्टर में बहुत ही शानदार नंबर देखने को मिले। तो देखिए पिछले क्वार्टर में क्या होता, पिछले क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू 212 करोड़ के आसपास था, पिछले साल 544 करोड़ के आसपास, जबकि इस क्वार्टर में देखे तो बढ़ के 557 करोड़ के आसपास आ चुका था। साल दर साल देखे तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिली। ज्यादा बड़ी तेजी नहीं है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली 3% के आसपास की तेजी है। लेकिन वहीं अगर क्वार्टर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर क्वार्टर कंपनी का जो रेवेन्यू है उसके अंदर बहुत बेहतरीन तरीके से अप्रोक्सीमेटली 220% के आसपास की तेजी देखने को मिल रही है। चलिए कंपनी के खर्चे देख लेते हैं, खर्चे क्या हुए हैं इस क्वार्टर में। पिछले क्वार्टर में 201 करोड़ था, पिछले साल 436 करोड़, जबकि इस क्वार्टर में कंपनी के खर्चे 457 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहे हैं। तो इससे कंपनी का जो प्रॉफिट क्या निकलता है वो देख लेते हैं। तो देखिए कंपनी का प्रॉफिट पिछले क्वार्टर में 25 करोड़ के आसपास था, पिछले साल की बात करें तो 171 करोड़ का प्रॉफिट था, जबकि इस क्वार्टर में देखें तो कंपनी का जो प्रॉफिट है 80 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। तो कह सकते हैं कि कंपनी का जो प्रॉफिट है वो क्वार्टर क्वार्टर बहुत बेहतरीन तरीके से जंप हुआ है। अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं 330% के आसपास की तेजी है क्वार्टर क्वार्टर कंपनी के प्रॉफिट के अंदर। लेकिन वहीं साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल 50% के आसपास की गिरावट भी आपको देखने को मिल रही है। ईपीएस की बात कर लेते हैं, EPS 1.78 हुआ करता था, वो 0.83 है, जबकि पिछले क्वार्टर में 0.27 के आसपास हुआ करता था। तो नंबर्स से आपको एक चीज़ तो पता चल गया होगा कि कंपनी का जो नंबर्स जो है वो क्वार्टर क्वार्टर तो बहुत भयंकर है, क्योंकि पिछले क्वार्टर में कंपनी के जो नंबर्स आए थे बहुत ज़्यादा खराब थे, जिसकी वजह से गिरावट भी आई थी। तो पिछले क्वार्टर से तो बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। अप्रोक्सीमेटली आप बोल सकते हैं कि कंपनी का प्रॉफिट 3 गुना हो चुका है, कंपनी का रेवेन्यू 2.5 गुना के आसपास हो चुका है। तो कंपनी का प्रॉफिट और रेवेन्यू दोनों शानदार है इस क्वार्टर में, 250-300% के आसपास की तेजी है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर क्वार्टर क्वार्टर। लेकिन बस प्रॉब्लम आ गई है कंपनी के साल दर साल परफॉर्मेंस पे, क्योंकि साल दर साल कंपनी का रेवेन्यू गिरा हुआ है, सॉरी साल दर साल कंपनी का रेवेन्यू फ्लैट है, लेकिन साल दर साल कंपनी का प्रॉफिट देखे तो वो 50% के आसपास की गिरावट है। वैसे भी शेयर अभी बजट के बाद शेयर के अंदर हल्की सी गिरावट आई है, और पिछले कुछ दिनों से गिरावट है शेयर के अंदर। तो मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा बड़ी गिरावट आएगी, बस नॉर्मल से नंबर्स हैं, 2-4% ऊपर या 2-4% नीचे होगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। तो बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।